हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। इस वजह से अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही सरकार बनाने के हर संभव प्रयास कर रही है। भले ही बीजेपी के खेमे से निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाने की खबरें आ रही हों, लेकिन कांग्रेस आखिरी समय तक उम्मीद नहीं छोड़ना चाहती है। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पिक्चर अभी बाकी है और कांग्रेस अब भी सरकार बना सकती है। दरअसल अभी कांग्रेस पार्टी 10 विधायकों वाली जेजेपी के पत्ते खोलने का इंतजार कर रही है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया, बातचीत में निर्दलीय विधायकों को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि जो निर्दलीय खट्टर सरकार का हिस्सा बनना चाहते हैं, वे अपनी राजनीतिक कब्र खोद रहे हैं। हरियाणा की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी, जनता उन्हें जूतों से मारेगी। हुड्डा ने यह भी कहा कि वह भी निर्दलीय विधायकों के संपर्क में है। हुड्डा ने बताया कि कांग्रेस की उम्मीदें अभी टूटी नहीं हैं और पिक्चर भी बाकी है। अमित शाह के ट्वीट पर किए सवाल के जवाब में वह बोले कि बीजेपी में जश्न नहीं, शोक का माहौल है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 10 में से 8 मंत्री हारे हैं, कि लोग बीजेपी से खफा हैं। उन्होंने 6 सीटों पर धांधली के आरोप भी लगाए हैं। वह बोले कि उन सीटों पर बीजेपी पीछे थी, लेकिन फिर रिकाउंटिंग का ऑर्डर आया, जिसके बाद बीजेपी उम्मीदवार बेहद कम मार्जिन से जीत गए। हुड्डा ने कहा कि इस मामले की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।